जी दोस्तों, की हाल ने? आपां अज फोर्ड फीगो देखण। इहदे अंदर बत्तियां नहीं आ रहियां, कुछ चीजां चैक कर लिया। इधर कनैक्शन, ये अपना इमोबलाइजर रिपेयर किया सी पहला, जो कि तुहानू दिखावां। सारा रिपेयर किया इच, काफी टाइम हो गया रिपेयर किते नू, ते हुण इच बत्तियां नहीं आ रहियां। ते ब्लिंक कर रही है, चाबी लाने ते कुछ नहीं आ रहा। चाबी लाई, ते हुण डायरेक्ट करंट दे के इनू स्टार्ट कर दें जी। डायरेक्ट करंट अपनी बैटरी तो पखे वाली तार लाई भी आई, बाहर जाने की लोड़ नहीं। अपन अपने पहले ही पखे की तार पाई हुई सी, ये अपन इधरों सप्लाई देती, ये देती जी सप्लाई, अपने लाती आ जगह ला करंट आ रहा। ये आ गया अपना मेन करंट, ठीक है जी। ते हुण चाबी लाने, आ गई जी बत्तियां, ठीक है जी। इमोबलाइजर ब्लिंक कर रहा, तो हुण इहदे कोल लैके चलदे आं आपां। इमोबलाइजर दी रेंज पहलां कुछ तारां टेप कर लईए। हांजी, आपां ने कर लईआं टेप तारां, ठीक है जी। ते इहनूं पाउने आं हुण, स्विच ला के देखदे आं। बत्ती खड़ गई जी, चली गई बत्ती अपनी, बत्ती चली गई। ते न्यूट्रल देख के गड्डी स्टार्ट हो गई। चेक इंजन आ रहा जी, ते इस तो बाद आपां गड्डी नूं स्कैन करांगे। गड्डी स्कैन कर दें जी। स्कैन कर ली जी,
चेक इंजन चला गया तो देखते हैं ले जाके की दिक्कत आती। जी हम दुकान ते लेके चले आप गड्डी जा रही है सही चल रही है। बारिश का मौसम होर प्रॉब्लम भी ने चे दुकान ते जाके फ्यूज बॉक्स वगैरा देखांगे। बारले फ्यूज पहले ही चेक कर ले सी फिर भी थोनू वीडियो च दिखा दूंगा भी कित्थे होंदे ने बारले फ्यूज। कई दोस्त इलैक्ट्रिशियनां नूं तां पता ते बाकी मकैनिकां नूं पता कई दोस्तां नूं जिन्हां दी परसनल गड्डी रखी हुई है उन्हां नूं नहीं पता हुंदा इस बारे। हां जी गड्डी ले आए हुण दुकान ते इहदा फ्यूज बॉक्स देखदे आं की दिक्कत आ उस च कित्थों सप्लाई मिस आ। डायरेक्ट तार इहदी जिहड़ी पलाई सी बंद कर दी ते डायरेक्ट तार उरे तो तार दी तार उतार दी ते इधरों भी उतार दी है। स्पार्क ना बजे कि डायरेक्ट तार खोल दें आप फ्यूज बॉक्स फिर देखते हैं की बनता। आ गई फ्यूज बॉक्स देख गया नट खोल दें ये फिर पिछे तो बारे आ जूगा। अपने फ्यूज बॉक्स उतार लिया नीचो पिछू खाली कर दें तो लॉक ने ये तार देखनी है हूँ क्यों गर्म हुई है। वैसे ग्रिप गर्म सी तुसी देख रहे होंगे तार गर्म हो चुकी है जी सप्लाई उरे आउंदी सी आ ग्रिप देख रहे होंगे आ गर्म हो गई आ तार इस करके सप्लाई जानो हट गई सी अगे वो हुण आपां देखदे आं कि क्यों क्यों गर्म हुई है किस वजह करके गर्म हुई है जां वैसे ही पुरानी होण करके लोड पै गया ते कोई चीज शार्ट ना होवे जिहदे करके ते लोड पै रहा तार ते। अगे चैक करदे आं आपां वायरिंग सारा कुछ चेक करने तो बाद रिले सही चलती सी बलोर भी सही चलता सी पर थोड़ा चलने तो बाद गर्म हो के तार बिल्कुल पूरी गर्म हो जाती सी। ये बलोर दी रिले है जी हुण ठीक है बिल्कुल आप हाथ लाने तार नॉर्मल है कोई गर्म नहीं हो रही ते इधरों आप बलोर भी चला दें तार बिल्कुल ठंडी पई आ। बलोर एक तो ठीक चलता सी दो तो ठीक चलता सी जे थोड़ी स्पीड कर देंगे सी तार ले गर्म हो जाती थी ते
तार जी तार जो गर्म हुई है इसे करके हुई थी, सप्लाई कट कर दी थी इन्हें, डायरेक्ट कर दी क्योंकि बिचो खराब हो गई तार, डायरेक्ट करनी पी कर दें। गड्डी चेक इंजन आ रहा, दोबारा स्कैन करांगे क्योंकि फ्यूज बॉक्स खोलिया सी ते ग्रिप वगैरह गड्डी चेंज करके, चेक इंजन आ रहा, गड्डी स्टार्ट आ, ओके आ जी गड्डी। वीडियो देखने लई धन्नवाद। फोर्ड फिगो